तुले शिव शंकर भोलेनाथ की, पार्वती माता की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंदे देवापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पद्मभूषणं मृगधरं, वंदे पशुनां पतिं, वंदे शूरसांगवहीननयनं, वंदे कुंडप्रियं, वंदे भक्तजनाशं च वरणं, वंदे शिवं शंकरं। माँ बगला मुखी फाउंडेशन की ओर से और हिंदू महासभा की ओर से आप सभी माता के प्यारे भक्तगण, शिव के प्यारे भक्तों का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं इस रुद्राभिषेक के इस पूजन में, महाउत्सव में। आज का कार्यक्रम शुरू हो गया, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है एक पदयात्री के साथ। तो पदयात्रियों ने चलकर कंधे पर कांवर लेकर, जैसे हमारी परंपरा मॉरिशस में रही है कि जब भी हम गंगा तालाब के बारे में सोचते हैं, गंगा तालाब के बारे में हम स्मरण करते हैं, तो बस कंधे पर कांवर लेकर शिव जी को धारण करके हृदय में या फिर कंधे पर चल के हम आते हैं। तो पदयात्रा के इस कार्यक्रम से शुरुआत हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर हम रुद्राभिषेक की ओर बढ़ने वाले हैं। तो आज के इस कार्यक्रम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के इस सुंदर मंदिर में हो रहा है हिंदू महासभा की ओर से। तो हम आग्रह करेंगे हिंदू महासभा के प्रधान निदेश राजकुमार जी, आप लोगों के सम्मुख दो शब्द हमसे साझा करें। श्री निदेश राजकुमार जी। ओम शक्ति। आचार्यगण, पंडितगण, भक्तों, हिंदू महासभा की ओर से आप सभी को काशी विश्वनाथ गंगा तालाब में आने के लिए बहुत शुक्रिया। आज खुशी की बात है कि हमारी बीच में गुरुजी हरिद्वार से पधारे हैं एक रुद्राभिषेक के लिए यहाँ पर हमारे मंदिर में। अभी शुरू होंगे ये अभिषेक। Nous ne commençons pas une rude yatra depuis Pétrin. Nous venons là. Nous faisons une puja que de Gangama en bas. Et nous continuons avec nous rude abhishek. Nous venons Bagramukhi Foundation qui est là avec toute l'équipe. Nous venons, je fais une demande avec Hindu Massava pour nous faire puja là avec nous. Nous avons Guruji qui nous sorti Haridwar et Nvini. L'année dernière, c'est dans Maurice. L'année dernière, est venu. Et mon apprenne qui est là pour faire le tour de Maurice ensemble avec Bagramukhi Foundation. Je remercie toute votre présence. Om Namah Shivaya. Jai Ma Bagramukhi. Acharyagan, Panditgan. सारे जो उपस्थित हैं, मैं ये पहली मैं हिंदू महासभा के प्रधान को ये शुक्रिया करूँगा कि ये आज हम ये अभिषेक रुद्राभिषेक ये पहले हमारे बगलामुखी फाउंडेशन के पहले कार्यक्रम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और ये क्या स्पेशल है आज, और ये एक महीने के कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं मॉरिशस में। ये जो माँ बगलामुखी के जो आप देख रहे हैं जो मूर्ति है, ये थोड़े जैसे नॉर्मल नहीं है। पितरमुपजड़िया खेल से आचार्य कृष्णन पांडे ए अविक सुपापा गुरुजी पांडे की देवी हरिद्वार चिकुमास माँ बगलामुखी टेम्पल द हरिद्वार गुरुजी से दो गुरुजी कि दीक्षा देपी बगलामुखी सो ओरिजिन रेजिस दो गुरु डॉलन पॉमी एंड से गुरुजी
Et sa murti-là n'est pas une murti normale. C'est la première fois que Guruji installe en dehors ce mandir. Ce mandir-là est situé dans Haridwar. C'est originaire là-bas. C'est là qui commençait par Baglamukhi, Mahata même. Quand il y a une partie, c'est l'écho qui tombait dans Kangra quand il y a une avec un tigit de Haridwar. Et à partir de là, il y a une Shaktipit. Et il y a un puits là-bas, à côté. Il y a encore dans Mandir là. Dans Mandir là même, il y a ce puits là-bas, origine de Haridwar. Et ça, qui sorti là-dedans. Il n'y a pas de cuivre. Ou quand il y a son température il reste sans sensé, il n'y a pas. Mais moi, je suis venu depuis deux jours. Tous les jours, on n'a pas besoin de faire ce bandabisheka. Et en même temps, ça, avec lui, il y a un petit shivling qui est sorti dans son puits-là. Et je l'ai préservé là-bas. Et dans Mandir, là-même, il est là-bas. À côté puis là que je fais ce baglamukhi yagna, il est là-bas. Donc, ce n'est pas un spécial, c'est à cause de ça qu'il peut commencer aujourd'hui, ici, avec un Rudra Abhishekam. Tout le temps, quand nous commençons Baglamukhi Puja, nous commençons par un Ganesh Puja avec un Abhishekam ou Shivji. Là, nous commençons le Baglamukhi Puja. Donc, c'est ici, avec très honneur, qu'il nous peut prendre lit. Et premier, nous venons prendre Multila, nous amener avec comment Prada en India, nous faire comment nous habiter nos traditions, dire nous, un Padyatra. Un Kalash Yatra, après nous allons au Ganga Ma, et Astia nous fait Rudra Abhishek là. आज हमारा ओ सौभाग्य है कि भारत इस हरिद्वार से मूर्ति आई हुई है. मूर्ति के साथ साथ पंडित जी भी आचार्य भी आए हुए हैं. आपका हम स्वागत करते हैं. ये आपकी दूसरी यात्रा है मॉरिशस में. पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी तो आप सोए नहीं थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आ जाती है. माँ के काम के लिए, माँ के कार्य के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं. और जहाँ पे रुद्राभिषेक की बात हो रही है वहाँ पे माँ तो रहेगी ही. अगर ब्रह्म की बात होती है तो उसकी महामाया रहेगी ही. अगर पुरुष की बात करते हैं तो उसकी प्रकृति रहेगी ही. तो शिव की बात करेंगे तो पार्वती रहेगी ही. तो मंत्रोच्चारण के लिए यहाँ पे आचार्यगण, पंडितगण, पुजारीगण यहाँ पे उपस्थित है. तो बिना देर करते हुए चलिए हम रुद्राभिषेक की तैयारी कर लेते. लेकिन उससे पहले हमारे बीच में चित्रकूट से आए हुए रामायण मंडली, उनका हम स्वागत करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं उनकी मधुर वाणी से इस पवित्र मंदिर को और दिव्यमय और ईश्वरीय बनाइए. तब तक रुद्राभिषेक की तैयारी हम यहाँ पे आचार्यों द्वारा करवाते हैं. बहुत धन्यवाद. Oh, my God.
Yeah.
यज्ञम जलम सर्व्यानि भस्मोदका ओम प्रसन्न भस्मनायो इम वर्षा पृथ्वी मग्ने जगुं जमाते विष्णुं ज्योतिष्मान् पुनराधतः त्रायुधं जमदग्ने हे ऋषदशराय ब्रह्मा हे देवे पुत्राय धन्नो शुद्धदक्षिणानं शुद्धाचुनीयं जलं सर्पयामि ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालदासिनः श्वेता श्वेताभ्योर्वदेवताय शपथये धरणायामावलिम्नारोद्रं नभो रूपाः Yeah.
Yeah.
Thank you.
देवी स्वरूप माताओं, शिव शंकर स्वरूप हमारे भाइयों और कृष्ण स्वरूप नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज बहुत भाग की बात है कि हमारे मध्य में भोले शंकर के साथ माँ भी आई हुई है। बहुत दिन पहले बात हो रही थी जब यात्रा पर गए थे कि एक न एक दिन यात्रा के अंतर्गत माँ के द्वार, माँ बगलामुखी के द्वार जाएंगे
लेकिन हमें पता नहीं था कि माँ बगलामुखी खुद चलकर मॉरिशस आ जाएगी। इसके लिए हम करजोड़ धन्यवाद देते हैं। स्वामी जी को भी बहुत प्रणाम। पांडे जी यहाँ पर माँ को लेकर आए हैं, अहो भाग हमारे आचार्य गण भी आए हुए हैं। कहते हैं कि 10 महाविधाओं में से 8वीं महाविधा जो है वो माँ बगलामुखी है, और उनकी आराधना करने से जो है जितने भी हमारे शत्रु होते हैं उनका विनाश होता है, साथ ही साथ माँ की आराधना करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। हमारा धर्म जो है बहुत बड़ा है और हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है। यदि माँ के बारे में आप जानना चाहेंगे तो पुराणों में भी बहुत कुछ गाया गया है, गाथाएं हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं। लेकिन आज दुख की बात तो ये है कि हम हिंदू कम होते जा रहे हैं। कम इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम कम होना चाहते हैं, क्योंकि हम जो अगली पीढ़ी हैं उनको तैयार नहीं कर रहे हैं। हमारे मध्य में आज देखेंगे तो कितनी माता बहनें हैं, चंद भाई हैं, लेकिन बच्चे बहुत कम हैं। जो बच्चे आए हैं भाग उनका जो माँ बाप उनको संस्कृति धर्म के बारे में सिखा रहे हैं। एक विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि जब भाषा गई तो आपका धर्म भी गया, संस्कृति भी गई। और ये सोचने वाली बात है कि आज हमारे मध्य में कितने हमारे बच्चे जो हैं भाषा की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं। भाषा नहीं पढ़ेंगे तो धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ पाएंगे, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ पाएंगे तो अपने धर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं आग्रह करता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत कम बोलूँगा क्योंकि बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं आग्रह करूँगा माता बहनों से, भाइयों से कि बच्चों को जो है यदि आप धार्मिक बनाना चाहते हैं, पंडित नहीं कह रहा हूँ, धार्मिक बनाना चाहते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको भाषा की ओर आकृष्ट करें। बस माँ बगलामुखी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जिसे कुछ देर पहले हमारे भाई भवेश ने कहा कि ये अद्भुत मूर्ति है, तो इस अद्भुत मूर्ति की कृपा आप सब प्राप्त करें। और माँ बगलामुखी से ये प्रार्थना है कि आप सब पर जो है अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्भव स्थिति संहार कालिनीम क्लेशरीम सर्वश्रेयस्करीम। उद्भव का कारण है, स्थित का कारण और संहार का कारण है। सर्वश्रेयस्करीम, सब कुछ अच्छा करने वाले के पीछे जो कारण होता है, कारण तत्व होता है, वह महामाया होता है। इसलिए यहाँ पे महामाया की कृपा से ही यह सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुंदर रूप से भगवान भोलेनाथ रुद्र के रूप में शिवलिंग जो है उसका श्रृंगार हो रहा है। जब तक श्रृंगार हो रहा है तब तक हमारे बीच में है आचार्य किशन पांडे जी, हरिद्वार से आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और दो शब्द हम आपकी वाणी से सुनना चाहेंगे। आचार्य जी, जय माँ बगलामुखी। बोलिए शंकर भगवान की जय, बगलामुखी मैया की जय। ओम मध्यस्ताब्दि मणिमंडा प्रत्विद्याम सिंहासनो परिकता परपीत वर्णा पीतांबरा भरण माली विभूषतांगी देवी सम्रामी धितमुद्गर वैरी जीवाम जीवाम गर्मादाय करेण देवी वामेन शत्रु परिपीड़ अंतिम गदा विकातेंज दक्षिणेना पीतांबराढ़्यम तुभिजाम नमामि। बोलिए बगलामुखी मैया की जय। आचार्य वृंद, भक्त वृंद और भक्तिमती माताओं, अब माँ के मॉरिशस में ये पहला प्रोग्राम है कि माँ यहाँ पहुँची है और भव्य शोभा यात्रा के साथ हम इन्हें यहाँ लेके आए हैं। देखिए जहाँ शिव होंगे वहाँ शक्ति अपने आप आ जाएंगी, तो आज शक्ति यहाँ आके विराजित हो गई हैं। और अभी धर्म भाई ने बोला कि हमारे यहाँ हिंदू कम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इस विषय में भी सोचने वाली बातें कि आपको इस विषय में सोचना पड़ेगा कि धर्म हमारा धर्म भी है, उनका नाम भी धर्म है और धर्म के बारे में बोल के गए हैं तो धर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, इसके विषय में आप सब लोगों को। देखिए एक भी उठ के धर्म के लिए कार्य करेगा तो वो सनातन के लिए कार्य करेगा, तो आपको पता होना चाहिए। सब सर्वप्रथम क्या होता है कि हमें अपना पता अपने बच्चों को बताना आवश्यक है कि उनका घर है कहाँ, यह आवश्यक है। अब बच्चों को आप बताएंगे नहीं, आप गए हैं कहीं घूमने के लिए, किस स्थान पे घूमने के लिए गए, होटल में रहेंगे कुछ दिन के लिए, तो बाद में कुछ दिन बाद होटल वाला कहेगा जाओ
तो अब जाएंगे कहाँ? जाएंगे, जाएगा वही जिसको उसका पता पता होगा, वही अपने स्थान पर पहुँच सकता है। अन्यथा आप अपने घर पर वापस नहीं जा सकते जब आपको पता ही नहीं पता। तो हमें अपने बच्चों को वो पता बताना आवश्यक है कि हमारा धर्म है क्या, हम हैं क्या, सनातन है क्या, ये बताना बहुत आवश्यक है। कि इस भाव हमेशा देखिए, पानी को डालेंगे तो हमेशा ऊपर से नीचे को आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाता। तो बड़े ही छोटों को बताएंगे कि हमने क्या करना है, हमारा ये धर्म है, हमें इससे क्या करना है, और इससे जोड़ेंगे, उनको लेके आएंगे ऐसे स्थानों पर जहाँ पूजन हो रहा है। अभी आप लोग आए हैं, देखिए माँ ने अपनी कृपा कोर से आप लोगों को खींचा है। माँ हमेशा उसी को बुला के बैठाती है जिस पे उसकी कृपा होती है। देखिए इतना सुंदर रुद्राभिषेक आचार्यों द्वारा बोला गया। देखिए मंत्र जो है वो आचार्य के अधीन होते हैं, ब्राह्मण के अधीन होते हैं, और देवता मंत्र के अधीन होते हैं। और वो देवता जब आचार्य उद्घोष करते हैं मंत्रों का, तो देवता साक्षात यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो आज वही इतना सुंदर आचार्यों द्वारा बोला गया। सर्वप्रथम सभी आचार्यों के लिए एक बार जोरदार हम तालियों से स्वागत करेंगे सभी आचार्यों का, कि इतना सुंदर बोला गया, बल्कि इतना सुंदर आचार्य लोग आपके लिए यहाँ बैठे हुए हैं, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, इतने सुंदर यहाँ बैठे हुए हैं। और ये आपको हर प्रोग्राम में बुलाते हैं, इनके यहाँ आपके यहाँ नवरात्रि होती है, आवाज़ लगा लगा के बुलाते हैं, आओ कर लो। अपने लिए नहीं बुलाते, वो आपके लिए बुलाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। पर हम अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास समय नहीं होता उस वहाँ पे पहुँचने के लिए। क्यों नहीं होता वो समय हमारे पास? क्यों नहीं होता? खाने के लिए तो हमारे पास पूरा समय, उसके लिए तो हम निकाल लेते हैं। तो पूजन के लिए क्यों नहीं निकाल पाते, इस बारे में सोचने की बहुत आवश्यकता है। अभी माँ आई है, आपको अपनी कृपा कोर से उसने यहाँ खींचा, तो इसका मतलब यह है कि आप किसी ना किसी रूप से उससे जुड़े हुए हैं। माँ बिना उसके, आप उसकी कृपा के आप यहाँ बैठ ही नहीं सकते। तो वो आई है, तो कृपा कोर ने उसकी खींचा है, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था आप लोगों के लिए तैयार है। तो मैं यही माँ से प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोगों का मंगल हो और आने वाला समय आपके लिए सब शुभकारी हो। इसकी मनोकामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। और एक बात बोलना अवश्य चाहूँगा आप लोगों से, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, गंगा स्नान में पंच स्नान होते हैं, तो उसके लिए बोला जाता है पंच स्नान में हर की पौड़ी से पहला स्नान प्रारंभ होता है हमारे यहाँ, दूसरा होता है कुसा घाट में बाजू में ही है, तीसरा होता है बिल्केश्वर में, चौथा होता है नीलधारा में, और अंतिम स्नान हम लोग करते हैं दक्ष प्रजापति में। और ये उन्हीं कपड़ों से होता है, जहाँ हम स्नान करते जाएंगे उन्हीं कपड़ों से स्नान करते जाएंगे। तो वही गंगा जी को, वही माँ को मैं लेके यहाँ आपके पास आया हूँ, और वो उसका मंत्र है, देखिए, गंगा द्वारे कुसावर्ते विल्लु के नील पर्वते स्नात्वा कल्कने तीर्थे पुनः जन्म न विद्यते। देखिए पंच स्नान करने से, ये पंच स्नान करेंगे तो आपको पूर्व जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। और यहाँ माँ की आराधना के लिए मैं 9 जगह बैठने वाला हूँ, 9 मंदिरों में। आप कमेटी के सदस्यों से पूछेगा, ट्रस्ट के सदस्यों से पूछेगा कि वो कहाँ कहाँ पूजन है, उस पूजन में पहुँचिए और उन 9 स्नानों को करिए। उससे क्या होगा, हमारे शत्रु शांत होते हैं। माँ क्या करती है, सर्वप्रथम हमारे शत्रुओं को शांत करती है। शत्रु बाहर ही नहीं होते, शत्रु हमारे अंदर भी होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ये सब हमारे शत्रु ही हैं, शत्रु हमारे अंदर भी होते हैं, माँ उन्हें भी शांत करती है। तो आइए और उस डुबकी को लगाइए और उन पापों से अपने आप को मुक्त करिए। तो उन सभी पूजनों में आप लोगों का, जितने भी यहाँ बैठे हैं आप लोगों का आना आवश्यक है और अनिवार्य है कि आइए, क्योंकि देश के लिए उठिए, कम से कम अपने लिए नहीं उठना चाहते तो देश के लिए उठिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उठिए, जागृत होइए। हम एकाग्र होंगे, एक होंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हमारे को कई आक्रांता मारते आए हैं पीछे से। तो अभी भी हम कम होते जा रहे हैं जैसे धर्म भाई बता रहे हैं, तो हमें उसको जोड़ना है, उस धर्म को इकट्ठा करना है। इस ये देखिए पांच उंगलियां अलग हैं तो कुछ पावर नहीं है, जल की मुट्ठी बन जाएगी तो बहुत बड़ी पावर है। तो आप लोग आइए और पूजन में सम्मिलित होइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और बस मैं यही आपसे आग्रह करूँगा, और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें। बोलिए बगला मुखी मैया की जय। वस्त्रान्ते आच्छन्नम् जलम् समर्पयामि यज्ञोपवीतम् वर्मम् पवित्रम् प्रजापतेः सहजम् पुरस्तात् आयुसमग्रम् प्रतिमं च शुभ्रम् यज्ञोपवीतम् बलमस्तुतेजः यज्ञोहितान्ते आच्छन्नम् जलम् समर्पयामि सुजातो ज्योतिका सर्वमाहुतमासो अग्ने विश्वरूपं संविहावसो
उपवस्त्रम उपवस्त्रान्ते आचमन्यम जलम समर्पयामि त्वाम गंधर्वा गणस्वाम इन्द्रस्वाम बृहस्पते त्वाम ओघदेशो मो राजा द्वान अक्षमादमुच्यतः अक्षण्णमे वदन्यादो गदास्तो गदासानो ब्राह्मणमिष्यायते हरि हरे अक्षदान समर्पयामि ओम मोखदे प्रदीमो त्वाम ओघदेहे प्रसोवरे आल्यादने सुगंधिनी मालत्यादिन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता पुष्पं पुष्पमालां बिल्वपत्राणि ध्रुवाङ्कुरान् समीपत्राणि धतुर्फलानि समर्पयामि ॐ महिरेव भोगैः परे देवाहुं जायामेतिं परिबाधमानाः स्थग्नो विश्वान् वयुनान् विद्वान् पुमाङ्गों सां वनस्पतिरसोद्भूतो गण्डादयो सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपं दीपं दिया भी ले लीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्य जायत श्रोत्रात् वायुः प्राण समुखात् अग्निरजा प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि दीपान्ते हस्तः प्रक्षालनम् नैवेद्यं प्रदोनुधायः आसीदन्तर्क्षकोशेष्णौ देवः समवर्तता पृथिव्यां भूमिर्दिशा श्रोत्र तथा लोकान्न कल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यपात्रे बिल्वपत्र प्रक्षिप्यः त्रिराचम्यं महा ओम प्राणाय स्वाहा वानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा मनाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये पाणियमुद्रा पोषणार्थे आचमन्यं जलं समर्पयामि ओम अगौं सोनाते अगौं सोः बृहदां मधुमताय रसो अच्युतः करोद्वर्तनार्थे मनसोपचारे चन्दनानुलेपयामि विलेपयामि ॐ जाः फलिर्यालाय बृहस्पते पशोतास्तानो मुञ्जन्दगुंहसः फलं समर्पयामि फल कुछु लीजे फलान्द्याचमन्यं जलं समर्पयामि यत्पुरुषेण हविघा देवाय सिदाजं देहमहा शरदवे मुखशुद्धार्थे लालं सीताम्बो फलं ताम्बूलपुङ्गिफलं समर्पयामि दन्तेयाचमन्यं जलं समर्पयामि ॐ हिरण्यगर्भसमर्दताग्रे कस्मै देवाय हविघा विधेम द्रवदक्षिणां प्रदक्षिणामों सप्ताशासन्नादेवायन् प्रदक्षिणां समर्पयामि हस्ते पुष्पां गृहीत्वा प्रार्थयेत् गलेरुण्डमा तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं जटाजोडभङ्गो तरङ्गे विशालं शिवं शङ्करं शम्भो मीसाणमे पार्थेश्वराय नमः विश्वेश्वराय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनापूर्वकं पुष्पं समर्पयामि अनया पूजया श्री काशी विश्वेश्वर साम सदाशिव देवता प्रियन्तां नमः पार्थेश्वर देवता प्रियन्तां नमः हरिः ॐ मायिदगोङ्गहविः प्रजणं मे असुदसवीरघं सर्वगणगों स्वस्तये आत्मजने प्रजासने वसुसने लोकसज्जने शासन गरु रासन वृषमा हर साजे ओ हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे भोले दस भुज अति सोहे तीनों रोवन रखता
सजंद्र जत्र पूर्वे सेवंतिकावकुलचंपकपाटलाजये पुण्यागयाति करवीररसा
पुष्पे बिल्वा प्रवाद तुलसी मंगल त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहारा पर शिव शंकर आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा नेत्रा समाधिस्मिते संचारो प्रदक्षिण स्तोत्राणि सर्वाणि यद्यत् कर्म करोमि तद्दक्षिणं शंभोदाराधनम् मंत्र पुष्पायुत प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि।